Yeah, you wanna put that dish in your mouth. रेवोल्यूशन के बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस क्रैंक करते हैं, नजर आए पिलर्स के हालात हैं, जितनी फिलिंग्स नज़र आ रही हैं, इट्स वेरी थिक। यहाँ पे आप देखें कितना शदीद ऑरेंज फील्ड बिल्डअप हो रहा है, यू सी डिप क्रिएट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये छत का जो शेप आया हुआ है ये पॉलीकेट का आया हुआ है। देखो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, एंड देन देयर इज अ डिप ओवर हियर, ये फ्लैट लाइन हो रही है जगह, ये वाली पूरी जगह जो है, ये मोल्ड्स भी इसके ऊपर लोकल वाले लगे हुए हैं रिवेट्स के साथ। ओवरऑल ये भी पूरी पूरा जो इसका ड्रेन चैनल है ये भी पॉलीकट से ही बना हुआ है। ये लैंप इसके अंदर लगे हुए वो एमआर वाले हैं 79 सीरीज वाले, बट ये तो आफ्टर मार्केट चाइनीज़ हैं, और ये भी मुझे लगता है आफ्टर मार्केट चाइनीज़ ही है। साहब बॉनेट खोल यार इसका, बॉनेट के ऊपर भी ये पता नहीं कैसा डैमेज है, गार्ड नोज अभी हम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्ली लोडिंग डैमेज हो, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही बुरा वाला डेंट है, बड़ा ही डिफ़िकल्ट स्पेस डेंट है, ये यहाँ भी है और यहाँ पर भी, थोड़ा सा ग्राइम है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यार तो क्लियर पूरा पैनल डेंटेड है बुरी तरह, जगह जगह डेंट है, पीछे से भी गया हुआ शेड। कहाँ पे कह रहा था, हाँ ये भी गई है, ये भी बुरी तरह डैमेज है, ये भी बैठी हुई है, और ये भी, और ये सारे डिफिकल्ट टू रीच शेप्स हैं। नॉर्मल हालात में तो साथ हम बॉनेट रिजेक्ट कर देते हैं हाल पे, अंदर से जो उसका केज फ्रेम है वो भी सब डैमेज हुआ है, सारे जो उसके ओरिजिनल स्पॉट्स हैं सब गए हैं। हाँ वो पूरा फ्रेम गया हुआ है, वो पूरा पीछे तक ये भी गया हुआ है, ये ऑल्टरेशन की गई है। प्रोजेक्ट बदनाम ऐसे ही नहीं होते, प्रोजेक्ट बदनाम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि जलाल होता है। आप वो देखें लोअर माउंट्स भी कितने बुरे किए हुए हैं, क्योंकि एक्चुअली इनके एक्चुअल माउंट यूनिट जो हैं वो इधर हैं सामने होकर, जहाँ पे फ्रेम का माउंट था ओरिजिनल उसके ऊपर ही नया सुराख करके कर दिया। नो वंडर कि ये शो पंच हुई हुई थी, जब मैं पहले कह रहा हूँ ये शो अंदर पंच हुई हुई, क्या चीज़ क्या कह रहे हो, वो तो गिरा हुआ है ना, वो तो अलग चक्कर है कि ये मेरा गिरा हुआ है, वो तो ये फ्रेम की रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेम जो साल का था जिस तरह दंगा हुआ था फ्रेम को कुछ भी नहीं किया गया, ऐसी चला दिया गया। रफ बिल्डअप है इसकी बीच है, जो पिछली फायर वॉल चीज पर अभी है, ये अब ये इसका इंस्टॉलेशन हटेगी, ये जो नमदा है ये नमदा हटेगा तो फिर समझ में आएगा पीछे के क्या फिर सही जुगाड़ों से। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है ये, क्योंकि ऑल दो क्लाइंट ने अपने एंड से पूरी गाड़ी प्रिपेयर कर ली है, ये प्रिसाइसली वाले गेम्स हैं जिसमें जिस ये वो वजह है जिन वजूहात की बिना पे जो है ना मेजरली गाड़ियां जलील होती हैं, कि यार प्रोजेक्ट करवा लिया तबाही है। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी एक फेमस लाइन है, वो कहते हैं यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, तो दिस इज़ द मंकीज जॉब। आए आगे दिखाऊं, डोर्स इसके ज़ाहरी तौर पर अच्छे हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्योंकि ये भी रिपेयर डोर्स हैं, रस्टेड नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसके ओरिजिनल मोल्ड जो लोअर एंड मोल्ड होते हैं ये वाले, तो एक ये भी मिसिंग है।
डैशबोर्ड भी बहुत बीट अप है, बहुत ज़्यादा बीट अप होगा डैशबोर्ड है। ये ग्लव कंपार्टमेंट तो हमने खोला है इसका, बट अदरवाइज डैशबोर्ड बहुत बीट अप हुआ है। ये इसके लोकली मेड कवर्स लगे हुए हैं, रियल्पी से चिपका दिए गए हैं। तबाही अयाज साहब, कोई एल्फी का दोस्त है इस गाड़ी में? ये भी एल्फी के निशानात हैं, इधर भी हैं, ये पैनल भी है। इधर से तो मैं अभी आगे बनाता हूँ, ये भी पैनल टेढ़ा मेढ़ा हुआ है बुरी तरह, कंसोल भी फारिग है। खुलेगा तो फिर पता लगेगा, यहाँ पे भी इन्होंने ऑल्टर नहीं किया, इसको ऐसे ही जैम कर दिया इसके साथ। ये कितनी बुरी तरह बचता होगा, क्या चीखे मारता होगा ये, वरना इसको काट के ऑल्टर करना पड़ता है उसूली तौर पर। देखते हैं अभी, एसी का ब्लोअर तो बिल्कुल ही फारिग है, इसको भी चेक करते हैं क्या। छत इसकी ओरिजिनल ही है, इसीलिए वेयर आउट हुई है, वो कॉर्नर शॉर्नर जो हैं लटके हुए हैं, बट ये तो खैर एज है, ये और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सामान डाला है ना, वो बहुत बुरा डाला गया। आई एम श्योर कस्टमर ने अच्छा पे किया होगा, क्योंकि एज फार एज आई हैव नोन द क्लाइंट, वो तो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। तो गाड़ी ऐसा टर्न आउट करे, इसमें सर्विस प्रोवाइडर की ही चोरी है अनफॉर्चुनेटली। इधर से भी आके देखते हैं, अयाज जो है ये जो अभी कर रहा है यार, ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि हम गाड़ी को रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर हाउ इट वाज डिसमेंटल्ड, कि मतलब जब हमने जो गाड़ी रिसीव हुई थी उसकी एक्चुअल कंडीशंस क्या थी उस पर। डोर्स अगेन भीतर हैं, क्योंकि ये अच्छा वॉच पैनल रिप्लेस हुआ है। लेकिन ये भी आप मोल्ड देखो, अब ये इस मोल्ड के ऊपर देखो लोकल लगाया, लेकिन लोकल पर भी कितनी ज़्यादा ज्यादती है ये, इट्स ब्लंडर, मतलब इट्स स्क्रूइंग द होल प्रोजेक्ट यार। अगला बंदा 15-20 लाख रुपए लगा रहा है, तो एटलीस्ट उसको आप अच्छी सर्विस नहीं तो अच्छी गाइडेंस दे दो। ये मोल लोकल और अच्छे का डिफरेंस इज अ कीपर्स आई परस्पेक्टिव। लोकल भी लगाएं लेकिन तरीका तो लगाएं, एक सिंगल पीस तो लगाएं। डोर्स ये भी बेहतर हैं, डोर सेल्स, डोर आर्चेस जो हैं वो गाड़ी के साथ जैसी गाड़ी है वैसी ही, मतलब पॉलीकेट्स बनी हुई है। ये आप देख रहे हो, इट्स डेवलप्ड अ क्रैक ऑन फ्रेम हियर टू, ये इसका जॉइंट जंक्चर पॉइंट होता है। अब ये वल्ला आलम के ये क्रैक था पहले ही और इसको रिपेयर नहीं किया, यही मुझे इसके फाउंडेशन पिलर्स के ऊपर शक हो रहा है कि हाउ आर दे गोइंग टू टर्न आउट। डैशबोर्ड का तो बहुत बुरा असर है, पूरा कम्प्लीटली रिपेयर्ड है। ये मोस्ट लाइकली जो है ना, ये लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट हुआ हुआ यूनिट है जो मुझे लगता है। अभी उतरेगा तो फिर पता लग जाएगा, लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करने में स्टीयरिंग भी ये रिफर्ब हुआ हुआ है, लोकली रिफर्ब्ड है, ये जो स्टिच गया है, वरना अगर ये ओरिजिनल हो ये स्टिचेस डोंट गो, ये कपड़ा वेयर ऑफ कर जाएगा, फट फटा जाएगा एज अगर हुआ हुआ, बट इट्स अब्यूज्ड सेट। मतलब ये सेट कोई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी जो बाहर से आ रही हो उसका बहुत अच्छा सामान आया है। ये देखा, टेल टेल साइन आना शुरू होगा कि ये लेफ्ट टू राइट हुआ है, ये हमारे किसी पाकिस्तानी भाई ने लेफ्ट टू राइट करके इसको सीधा फिट करने से रह गया। डिफ लॉक भी पता नहीं इसका एक्टिवेटेड है कि नहीं, अभी नीचे घुस के देखते हैं। डक्टिंग की कंडीशन देखें यार, सो टेरेबल। यहाँ से डक्ट ओपन छोड़े हुए, तभी तो इसका बाईपास फ्लो में ऊपर लोअर्स में हवा नहीं है, आवाज़ आती है ब्लोअर की जैसे जेट इंजन चल रहा हो, हवा कोई नहीं आती। सीट्स भी ये बिल्कुल गॉनर्स हैं, क्योंकि ये आप देखो ना कितना फ्लैट लाइन हुआ है, ये जो दिस होल थिंग इज इट्स फोम। अब अगर मैं फोम को पुश करूं अंदर तो फिर ये आप देखो सीट ने शेप अचीव कर ली, क्योंकि ये जो साइड बन है उसका वो पूरी तरह फ्लैट आउट हुआ है, है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, कोई फटा है ऐसा है जैसे लकड़ी के ऊपर बैठे। पिछली सीट्स मुझे लगता है कि
चेंज हुई है। हाँ पिछली सीट्स चेंज हुई हैं इसकी, क्योंकि पिछली सीट्स बहुत बेहतर कंडीशन में, इसी की वाली डली हुई हैं, ये भी बेहतर कंडीशन है। पिछली सीट्स इसकी चेंज हुई हुई हैं, इसका मतलब दिस मीन्स बहुत बेहतर कंडीशन की है। अयाज पिछले हेडरेस्ट भी नहीं लगे हुए उसके, इसके उसकी भी वीडियो प्लीज़ बना लेना, अंदर से भी बना ले सामान, क्योंकि सामान शॉर्ट बहुत सारा है गाड़ी का यार, टूटा हुआ भी है, और वो गोले छोले जो हैं इसके सब लोकल डले में, वो भी बना ले। इंजन रूम तो सब पेंट असल में हुआ नहीं है, ये जब पहले गाड़ी का भी बनी होगी तभी का बना हुआ है, या फिर ये शायद फ्रेश किया हो, अल्लाह ताला जानता है बेहतर यार। हशर बहुत बुरा हुआ है साथ इंजन में भी, मैं भी ऊपर देखो ना तेल ही तेल हुआ था, हालांकि अभी फ्रेश डला इंजन, ये फ्रेश इंजन डला हुआ है बजायर। बैक कंप्रेशन चेक किया था हमने इसका यार, क्या हाँ नहीं, ये इंजन तो फ्रेश है, इंजन तो डला हुआ है, टर्बो तो गया हुआ है पक्का पक्का, टर्बो और सील वील्स तो गए हैं यार। सितम जरफी देखो साथ, वायर चेक करो यार, इस बैंक से गाड़ी पे आग नहीं लगेगी तो पर क्या होगा। द फक आर यू गाइस डूइंग, तबाही करोगे इवेंचुअली। लैंप्स इसमें इलेक्ट्रिक वाले लगे हुए हैं, इस पे भी इलेक्ट्रिक वाला है, लेकिन ये सामान की नौयत के मुताबिक फारिग हुए हैं इसीलिए इनको एक्टिवेट नहीं किया, या फिर शायद करना चाह ही नहीं है एक्टिवेट। ये आप चेक करें क्योंकि क्लिप्स लूज होंगे, मतलब गत्ते लगा के यू स्टार्ट ड्राइविंग अराउंड ना इन अ ब्लडी 5 million rupees बिल किया। नॉट नाइस अगेन, ये क्लाइंट नहीं है ये, या तो हमारे क्लाइंट का अजीम ड्राइवर होगा जिसको किसी मैकेनिक ने चलाया होगा कि ये तो ऐसे होते हैं, हमें गत्ता बता दे, VIP हो गया, लॉक चेंज करो। ये सब सामान मार्केट में अवेलेबल, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल, पुट इन न्यू फकिंग लॉक्स एंड इट्स गुड टू गो। पार्डन मी बट यार इट जस्ट पिसेस मी ऑफ, माफ़ करना सब लोग यार। शामिल भाई म्यूट लगाने पड़ेंगे तुझे बहुत सारे। शील्ड इसकी ओरिजिनल वाली डली हुई है साहब, शील्ड ओरिजिनल वाली गाड़ी की डली हुई है। सामान ये ओरिजिनल है या क्या, ये यही कंफ्यूजन हुआ क्या, अभी उतरेगा ना पैनल तो फिर पता लगेगा क्या गेम है। प्रोजेक्ट बिल्ड्स को जलील ना करें यार, अब बहुत अहम बात है कि यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, प्लीज डोंट पे पीनट्स। मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट रिस्टोरेशन ये सब, ऑल ऑफ दिस इज वेरी टाइम टेकिंग, वेरी लेबर इंटेंसिव, स्पेशली ओल्डर मॉडल्स को डील करना जो है वो कोई आसान नहीं होता, उसके ऊपर बहुत बड़ा गेम है। स्पेयर पार्ट डिलेज, चीज़ें, स्टाफ सैलरी, स्टाफ एम्प्लॉयमेंट, चीज़ें, स्टाफ चेंजेस, स्टाफ की बीमारी, टीम चेंजेस, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये इट कैन नॉट बी, ये एक मैजिक वॉन्ड का स्वाइप नहीं है कि एब्रा कडैब्रा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एब्रा कडैब्रा अब एब्रा गेम कोई नहीं बना। अपना LJ78 भी जो है फ्रेम ऑफ हो गया, कैब इज ऑफ, कैब के अंदर सामान भरा हुआ है इसका अपना, बट फ्रेम हमने आउट कर लिया है। ये भी एज यूजुअल एज स्टैंडर्ड, क्लाइंट के नाते ये बहुत अच्छी है, कारत की अच्छी गाड़ी थी, और क्योंकि उसने बहुत पैसे लगा चुका है वो बंदा ऑलरेडी, तो आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। अनफॉर्चुनेटली इसका टर्बो चार्जर, इसके भी एटमाइजर्स, सिर्फ इसके जो इंजन मोटर है वो हेल्दी इस सूरत में कि अभी उसमें बैक कंप्रेशन नहीं है, बट वो भी मेंटेनेंस की गई है रिप्लेस करते हुए, नहीं कुछ समझ में नहीं। ट्रांसमिशन इज अ गॉनर, डिफरेंशियल इसके अंदर वही 2LT वाले जो 2400cc वाले फ्रंट और रियर डिफरेंशियल है वही चलाए गए हैं। शाफ्ट का जैसा आपको प्रोजेक्ट जैदी पे जो 4x4 शाफ्ट की ऑल्टर हुई भी थी, अभी क्लाइंट भी आ रहे हैं तो मैं सामान निकलवा के दिखवाऊंगा सारा,
वो भी एडिक्वेटली उसी तरह कट के लंबी हुई हुई है। एटमाइजर्स के अंदर वही 2C वाले नॉजल्स डाले हुए हैं जो वो सस्ते होते हैं। इनटेक बिल्कुल नहीं है, फ्यूल फ्यूल फ्लो ही नहीं आता उससे। टर्बो चार्जर बुरी तरह लीक है। टर्बो चार्जर के तो लीक के चलते साइज आप इधर से देख के बताएं। देखें ये अभी उतरे हुए इंजन पे देर सो मच सीपेज हो गई है, जबकि इधर सीपेज का काम ही नहीं है। इधर सीपेज है इसलिए क्योंकि द टर्बो इज पिकिंग अप ऑयल। टर्बो कपूत, ट्रांसमिशन इज कपूत, फ्रंट रियर सस्पेंशन में। अब आप देखें इसके सस्पेंशन, ये टिपिकल ये हमारे पास जुगाड़ वाला गेम हुआ होगा। चूंकि क्लाइंट ने मांगा होगा परफॉर्मेंस सस्पेंशन या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, हेवियर देन स्टैंडर्ड, नॉर्मल से थोड़े मोटे, तो मैच करके स्प्रिंग डाल दिए गए इसे। फायदा उसका कोई नहीं हुआ क्योंकि ये स्प्रिंग इसके लिए बने हुए नहीं है। सिंस देयर नॉट मेड फॉर इट, ये गाड़ी के साथ मेट ही नहीं कर पा रहे। इनकी स्पेसिफिकेशन में फर्क है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी में फर्क है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर फर्क है। नॉट कि जो चीज शक्ल मैच हो गई तो बस फिट कर दो। आपको मैं बताऊं एक बड़े मजे की बात, ये हमें भी रीसेंट एक्सपीरियंस में एक हमें रिमाइंडर आया कि जो फ्रेम कोड LJ78 है वो और जो LJ71 या LJ72 होता है उसका लेआउट सेम, सामान का साइज सेम, मैकेनिज्म सेम, लेकिन उनके स्ट्रिंग्स में, उनके कंट्रोल आर्म्स में, उनके और डिफरेंट फिटमेंट में लोड बेयरिंग का, स्ट्रेस बेयरिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस। हम खुद अभी लेटली फंसे एक उसके अंदर, एक ऑल्ट्रेशन थी। लॉन्ग स्टोरी आपको बताऊंगा कि व्हाट अबाउट इट।